हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में एन पॉइंट एंटीना एरे के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो अभी तक हम सिर्फ टू पॉइंट एंटीना एरे के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके बहुत सारे केसेस डिस्कस कर रहे थे। हमने ये देखा था कि रेडिएशन पैटर्न कैसे चेंज होता है, जब हम कौन कौन से पैरामीटर चेंज करते हैं रेडिएशन पैटर्न चेंज हो जाता है इन केस ऑफ टू पॉइंट एंटीना एरे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंटीना एरे ऑफ एन आइसोट्रॉपिक पॉइंट सोर्सेज ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज। तो सब एंटीनाज जो हैं हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर एन एंटीनाज हैं, एंटीना 1, 2, 3, 4 अप टू एन। अभी तक सिर्फ एंटीना 1 और 2 थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एन एंटीनाज आ गए हैं, एन एंटीनाज रेडिएट कर रहे हैं और एक फार ऑफ पॉइंट है पी, एक फार ऑफ पॉइंट पर रेडिएशंस पहुँच रही हैं। अब हमें ये देखना है कि इतने सारे एंटीनाज को हम एरे में लगा देंगे तो रेडिएशन पैटर्न में क्या चेंजेस आते हैं और रेडिएशन पैटर्न फाइनली क्या आएगा। अगर मेरे पास सारे एंटीनाज आइसोट्रॉपिक नेचर के हैं, सेम डिस्टेंस है सबके बीच में, सबका डिस्टेंस डी ले लिया है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि रेडिएशन पैटर्न चेंज होता है जब हम डिस्टेंस डी को चेंज करते हैं। हमने डी की वैल्यूज़ लैम्डा पे देखी थी, 2 लैम्डा पे देखी थी, लैम्डा बाय 2 पे देखी थी। कैसे डी की वैल्यू चेंज करते हैं तो रेडिएशन पैटर्न चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर मैं पॉइंट पी को रोटेट करूँ, ये एंगल फाई रोटेट हो जाएगा, फाई इंक्रीज या डिक्रीज होएगा पॉइंट पी के बेसिस पर। पॉइंट पी इधर मूव होता है तो फाई डिक्रीज हो जाएगा, पॉइंट पी इधर मूव होता है तो फाई इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारा फाई है उसके बेसिस पे भी जो रेडिएशन है वो डिपेंड करेगी। अगर मैं किसी एक पॉइंट पे अपना रेडिएशन देखती हूँ तो वो डिफरेंट होगा दूसरे पॉइंट से, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था कि रेफरेंस पॉइंट पे भी रेडिएशन डिपेंड करती है। अगर मैं अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देती हूँ तो रेडिएशंस चेंज हो जाती हैं टू पॉइंट एंटीना एरे में। अब सब चीज़ें हम एन पॉइंट एंटीना एरे में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अगर हमारे पास एन एंटीनाज हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सबका फेज सेम है, फेज़ में कोई इशू नहीं है। अगर फेज़ में चेंजेस लाने भी हो तो हम एक जनरलाइज्ड फेज़ ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक जनरलाइज्ड फेज़ से ही स्टार्ट करूँगी। सेम फेज़ के लिए आप अल्फ़ा 0 पुट कर देंगे तो आपके पास सेम फेज़ में आंसर आ जाएगा। कोई और फेज़ लेना है तो यहाँ पर आप अल्फ़ा की वैल्यू वो पुट कर देंगे। अगर लेट सपोज ऑपोजिट फेज़ बोलते हैं तो 180 डिग्री फेज़ गैप आ जाता है, देन यू कैन चेंज योर अल्फ़ा एंड फाइंड आउट द आंसर फॉर एनी फेज। तो हमें अल्फा चेंज करते रहना होगा तो किसी भी फेज के लिए हम अपना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या रेडिएशंस निकाल सकते हैं। चलो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कैसे है, ये इतने सारे एंटीनाज हैं एनालाइज कैसे करेंगे। कुछ लोग तो अभी से ही डर रहे होंगे कि इतने सारे एंटीनाज हैं, बड़ी इक्वेशंस होने वाली हैं, अभी तक तो सिर्फ 2 को करते थे तो 2 एंटीनाज में ईजी हो जाता था। नो, इट इज़ ऑल्सो सेम, इट इज़ ऑल्सो ईजी, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ, ठीक है। जो हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस एंटीना 1 पर है, तो जो भी एंटीना 1 है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अगर E1 ले रही हूँ, ठीक है, E1 है एंटीना 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड। E2 ले लेते हैं एंटीना 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने तो सबको इक्वल लिख दिया। कैसे लिखा है मैंने इक्वल? अगेन अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी टू पॉइंट एंटीना एरे की, देयर आई टोल्ड यू कि अगर हमारे पास सेम एम्पलीट्यूड की कंडीशन है, सेम एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि सब एंटीना से सेम करंट जा रहा है। एक अजम्पशंस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं एंटीना एरे की, हम अजम्पशन ये लेते हैं कि सारे एंटीना सेम है। सेम मीन्स सबकी इम्पीडेंस सेम है, सब में करंट सेम है, सब में इम्पीडेंस सेम है। तो जब करंट सेम है, इम्पीडेंस सेम है, तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी सेम होगी। सो दिस इज वाई आई रोट E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4 अप टू EN इज इक्वल टू E0 ले लेते हैं। तो अब मेरे पास एंटीना 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है,
ठीक है, एंटीना वन की इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गई मुझे ई नॉट, तो एंटीना वन पे ही रेफरेंस लगा हुआ है। मैंने एक बात तो समझ ली थी अभी तक कि जहाँ पर भी रेफरेंस होगा वहाँ पर कोई फेज नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इसे डायरेक्टली हम ई नॉट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंटीना वन पे रेफरेंस है तो इसके साथ कोई फेज नहीं होगा, यहाँ पर जीरो फेज हम कंसीडर करेंगे। अब आ जाते हैं एंटीना टू थ्री फोर। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है फेज निकालने के लिए कि लीडिंग कौन है और लैगिंग एलिमेंट कौन है। ठीक है, तो अब सबसे रेडिएशन जा रही है एक फार ऑफ पॉइंट पी पर पहुँच रही है, तो ये सब जब रेडिएशन जाएंगे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि सारी रेडिएशन जा रही हैं पॉइंट पी तक पहुंच रही हैं। जब एंटीना एन से रेडिएशंस जा रही हैं तो वो सबसे पहले पॉइंट पी पर पहुंच रही हैं, फिर एंटीनास से जैसे एन माइनस वन है उसकी पहुंचेगी, फिर अप टू फोर थ्री टू वन, वन की सबसे लास्ट में पहुंच रही है रेडिएशंस पॉइंट पी तक। तो आई कैन से एंटीना एन की रेडिएशन सबसे पहले पहुंची, विच मीन्स एंटीना एन लीड कर रहे हैं। ठीक है, एंटीना एन से लैग कौन करेगा? एंटीना एन माइनस वन। उससे कौन करेगा? एन माइनस टू। उस सबसे ज़्यादा लैग कौन कर रहा होगा? एंटीना वन। एंटीना वन की रेडिएशंस आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में पहुंच रही है, तो सबसे ज़्यादा लैग कर रहा है एंटीना वन। अब हमारा रेफरेंस क्या है? रेफरेंस है एंटीना वन। एंटीना वन से सारे एंटीनाज लीड कर रहे हैं। आप इस डायग्राम में देखिए कि जितने भी रेडिएशंस हैं सारे ही रेडिएशंस एंटीना वन से तो फास्ट पहुंच रहे हैं। ठीक है, अगर अब मुझे सब में लीडिंग फैक्टर निकालना होगा, ठीक है, लीडिंग फैक्टर मींस ई रेज टू पावर हमेशा पॉजिटिव में आएगी, फेज हमेशा पॉजिटिव में आएगा। एंटीना वन अगर मेरा रेफरेंस है जो सबसे ज़्यादा लैग कर रहा था, एंटीना टू को देखूं, इसी डायग्राम में एंटीना टू को देखिए, एंटीना टू की जो रेडिएशंस हैं आप देख सकते हैं कि ये एंटीना वन से पहले पहुंच रही है, विच मीन्स एंटीना टू का फेज ज़्यादा है। हमें सबसे पहले एंटीना वन और एंटीना टू का फेज डिफरेंस निकालना होगा। फेज डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना दूंगी। ठीक है, तो अब मैं इस डायग्राम को ही बड़ा डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, ये मैंने मैग्नीफाइड व्यू बना दिया है। आप देख सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस है ये डी है, ये एंगल है ये फाई है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये बेस होएगा। बेस को कैसे निकाल सकते हैं हम, डी कॉस ऑफ फाई। ठीक है, तो डी कॉस ऑफ फाई हमारा पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस मुझे पता लग गया डी कॉस ऑफ फाई है, प्लस अल्फा एक कोई भी टर्म ले लेते हैं, इस केस में अल्फा जीरो है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो डी कॉस ऑफ फाई प्लस अल्फा हमारा पाथ डिफरेंस है, उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा साई। साई क्या है हमारा, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकालने के लिए मैं एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज बीटा। तो फेज डिफरेंस आ गया बीटा डी कॉस ऑफ फाई प्लस अल्फा, एंड बीटा इज टू पाई बाय लैम्डा। तो हमारे पास साई की वैल्यू आ गई है। ठीक है, साई क्या दे रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन एंटीना वन एंड एंटीना टू। ठीक है, अब मैं एंटीना टू को देखूं तो एंटीना टू साई फेज से लीड कर रहा है, तो मैं एंटीना टू की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ई नॉट ई रेज टू पावर जे साई, क्योंकि वो साई से लीड कर रहा है, तो ई नॉट ई रेज टू पावर प्लस जे साई। अब एंटीना थ्री और एंटीना वन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस भी डी है, ये डिस्टेंस भी डी है, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया एंटीना वन और एंटीना थ्री में, टोटल डिस्टेंस हो गया टू डी। ठीक है, एंगल अभी भी फाई ही है। अगर अब मुझे ये पूरा डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, यही फेज गैप दे रहा है बिट इन बिटवीन एंटीना वन एंड एंटीना थ्री, तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है वो है 2d, एंगल अगेन फाई है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2d cos ऑफ फाई। ठीक है, तो अगर मेरे को फेज निकालना हो एंटीना वन और एंटीना थ्री में, तो वो हो जाएगा 2d cos ऑफ फाई। ठीक है,
यहाँ पर बेस हो गया है 2D और ये एंगल फाई है, तो ये साइड क्या आ जाएगी 2D cos ऑफ फाई। तो ये क्या था, एंटीना 3 लीड्स एंटीना 1 बाय 2D cos ऑफ फाई विच इज इक्वल टू 2 ऑफ साई। ठीक है, अल्फा तो 0 ही है, 2D cos ऑफ फाई आ गया विच इज इक्वल टू 2 ऑफ साई हेयर। अब मैं एंटीना 4 का डिस्टेंस निकालूं एंटीना 1 से और एंटीना 4 का फेज गैप निकालूं एंटीना 1 से, तो यहाँ पर मेरे पास एक और डी आ जाएगा। अब मुझे एक और परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, ठीक है, एंगल फिर से फाई ही है, तो यहाँ पर डी प्लस डी प्लस डी, ये डिस्टेंस क्या हो गया हाइपोटेन्यूज का, हाइपोटेन्यूज की लेंथ, नाउ इट इज 3D। अब 3D है, एंगल फाई है, बेस हो जाएगा 3D cos ऑफ फाई। इसे कैसे लिख सकते हैं 3 ऑफ साई। अब nth एंटीना की बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, डिस्टेंस यहाँ पर आई एम रिमाइंडिंग यू दिस डिस्टेंस इज n माइनस 1। ठीक है, तो सिमिलरली एंटीना n के लिए मुझे निकालना होगा n माइनस 1 d cos ऑफ फाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू n माइनस 1 साई। ठीक है, अब हम सबके फेज एंगल की टर्म्स में लिख लेते हैं। यहाँ पर एंटीना 3 कितने से लीड कर रहा था 2 ऑफ साई से, तो कैसे लिख सकते हैं ई नॉट ई रेज टू पावर 2j साई। ठीक है, एंटीना 4 3 साई से, तो ई नॉट ई रेज टू पावर 3j साई। nth कितने से लीड कर रहा है n माइनस 1 साई से, तो ई नॉट ई रेज टू पावर n माइनस 1 j साई। अब मेरे को सारे एंटीनास की इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गई है, सारे एंटीनास का फेज पता लग गया है। क्या करना है, सारे एंटीनास की इलेक्ट्रिक फील्ड और फेज को ऐड कर देना है, तो मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इट इज़ दैट सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, एंटीना 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, एंटीना 2 की थी ई नॉट ई रेज टू पावर जे साई, एंटीना 3 की थी ई नॉट ई रेज टू पावर 2j साई प्लस ई नॉट ई रेज टू पावर n माइनस 1j साई। यहां पर क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले तो ई नॉट को कॉमन ले लेते हैं, तो e हो जाएगा e नॉट 1 प्लस e रेस टू पार j साई प्लस e रेस टू पार 2j साई प्लस अप टू e रेस टू पार n माइनस j साई। कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने का एक इजी तरीका बता देती हूँ, आप दोनों साइड e रेस टू पार j साई से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल बी कंफ्यूज नाउ। मैं तो खुद से ही कह रही हूँ कि एक और कॉम्प्लेक्स टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट विल हैपन। ठीक है, अब इस e रेज टू पावर j साई को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को e रेज टू पावर j साई से मल्टीप्लाई करा, क्या मिलेगा e रेज टू पावर j साई। e रेज टू पावर j साई को e रेज टू पावर j साई से मल्टीप्लाई करा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 रेज टू पावर 2 हो जाता है। e रेज टू पावर j साई को e रेज टू पावर j साई से मल्टीप्लाई करा तो e रेज टू पावर 2j साई हो जाएगा। यहाँ पर e रेस टू पार 2j साई को e रेस टू पार j साई से मल्टीप्लाई करेंगे, e रेस टू पार 3j साई हो जाएगा।
यहां पर e रेस टू पावर n j साय, ठीक है। इसे हम इक्वेशन टू ले लेते हैं, ये है हमारी इक्वेशन वन। अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन को देखिए आप, यहाँ पर क्या है e माइनस ई रेस टू पार जे साय, तो कैसे लिख सकते हैं इसे, e को कॉमन ले लिया सिंपली, तो बचा क्या, वन माइनस ई रेस टू पार जे साय। यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास e नॉट वन प्लस ई रेस टू पार जे साय प्लस ई रेस टू पार टू जे साय अप टू ई रेस टू पार माइनस एन माइनस वन जे साय है, ठीक है। इसी में से हम सेम टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, e नॉट में से e नॉट वाली टर्म नहीं है तो e नॉट एज इट इज बच जाएगा, e नॉट e रेस टू पार जे साय यहाँ नेगेटिव में है कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर e रेस टू पावर टू जे साय यहां पर नेगेटिव में है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलरली e रेस टू पावर n माइनस वन जे साय तक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, सिर्फ e नॉट वन माइनस वन बचा पॉजिटिव वाला और यहां पर नेगेटिव वाला e रेस टू पावर n जे साय, सो दीज आर द टर्म्स दैट आर लेफ्ट। कितना इजी हो गया, कितना सिंप्लीफाइड हो गया। नाउ वी विल बी जस्ट सिंप्लीफाइंग इट, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां से e रेस टू पावर जे साय बाय टू को कॉमन ले लेंगे, वन में से e रेस टू पावर जे साय बाय टू को कॉमन लिया, क्या बचेगा e रेस टू पावर माइनस जे साय बाय टू, ठीक है। e रेस टू पावर जे साय में से e रेस टू पावर जे साय बाय टू को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, e रेस टू पावर जे साय बाय टू, ये किसके इक्वल है, यहां पर से हम e नॉट e रेस टू पावर एन जे साय बाय टू कॉमन ले लेते हैं, तो e नॉट तो एज इट इज लिखा, e रेस टू पावर एन जे साय बाय टू कॉमन लिया, सिमिलरली वन में से जब इसे कॉमन लिया तो क्या बचेगा, e रेस टू पावर माइनस एन जे साय अपॉन टू, और यहाँ पर e रेस टू पावर एन जे साय में से e रेस टू पावर एन जे साय बाय टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा e रेस टू पावर एन जे साय अपॉन टू। क्यों करा ये, क्योंकि ये हमारा फिर e रेस टू पावर जे थीटा माइनस e रेस टू पावर माइनस जे थीटा की फॉर्म में आ जाएगा, दोनों साइड से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, दोनों साइड से माइनस कॉमन लिया एंड कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पर हमने देखा e रेस टू पावर जे साय बाय टू माइनस e रेस टू पावर माइनस जे साय बाय टू का फॉर्मूला बना, यहाँ पर e रेस टू पावर एन जे साय बाय टू माइनस e रेस टू पावर माइनस एन जे साय बाय टू का फॉर्मूला बना। हम जानते हैं e रेस टू पावर जे थीटा माइनस e रेस टू पावर माइनस जे थीटा क्या होता है, टू जे साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब इस केस में थीटा क्या है, साय बाय टू, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, e e रेस टू पावर जे साय बाय टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, टू जे साइन ऑफ साय बाय टू, यहाँ पर e नॉट e रेस टू पावर एन जे साय अपॉन टू, इसे कैसे लिख सकते हैं, टू जे साइन ऑफ एन जे साय अपॉन टू, तो अगेन यहाँ पर देखें तो 2j और 2j तो सिंपली कैंसिल हो गया,
ठीक है, अब हमारे पास जे टर्म नहीं है, अब क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ई वॉज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी हैड टू फाइंड आउट. तो ई को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ई नॉट हमें पता था, ई नॉट तो आई नॉट की वजह से आ रहा था. एक एंटीना का करंट पता है, एक एंटीना का इम्पीडेंस पता है, जिससे हमें एक एंटीना का इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा. ये एक एंटीना का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है एन एंटीना का इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पर क्या है टर्म, साइन एन जे साई अपॉन टू डिवाइडेड बाय साइन साई अपॉन टू. अब यहाँ पर e की टर्म्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, e रेस टू पार एन जे साई अपॉन टू अपॉन e रेस टू पार जे साई अपॉन टू. ठीक है, तो e की कुछ पावर अपॉन e की कुछ पावर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए e की पावर ऊपर सब्ट्रैक्ट में ले आएंगे. तो कैसे लिख सकते हैं, e रेस टू पार एन जे साई बाय टू माइनस एन साई बाय टू. तो क्या कर लेते हैं, e रेस टू पार एन जे साई बाय टू माइनस जे साई बाय टू. अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जे साई बाय टू कॉमन लिया तो क्या बचा, एन माइनस वन. तो ये देगा हमें e रेस टू पार जे साई बाय टू मल्टीप्लाइड विद एन माइनस वन. तो अगर हमारे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, जो ई वाली टर्म है ये तो हमें सिर्फ फेज देती है, जो भी एक्सपोनेंशियल की टर्म रहेगी इट इज़ गिविंग मी फेज. तो फेज कितना है, फेज जो है वो ये एंगल देता है. ठीक है, तो मुझे अब ये ई वाली टर्म से एंगल मिल रहा है, ये एक्चुअल में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, ये हो गई हमारी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट साइन एन साई अपॉन टू अपॉन साइन साई अपॉन टू, एंगल है एन माइनस वन साई अपॉन टू. ठीक है, अब आ जाते हैं एरे फैक्टर पर. एरे फैक्टर क्या होते हैं, एरे फैक्टर का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय ई मैक्स. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है, ये है, इसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करेंगे, जिसके लिए अब हमें क्या चाहिए, ई मैक्स चाहिए. तो ई मैक्स कहाँ पर आएगा, ई मैक्स हमें पता है तब आएगा जब हमारा साई ज़ीरो होगा. ठीक है, तब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. बट अगर इस टर्म में हम साई को ज़ीरो पुट कर देते हैं, ठीक है, साई को ज़ीरो पुट करा इस केस में, तो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म आ रही है. तो हम एलोपिटल रूल लगाएंगे, तो ई नॉट, यहाँ पर एलोपिटल रूल लगाया, मीन्स न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन. सो एन साई अपॉन टू साइन, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एन साइन अप एन साई अपॉन टू. डिनोमिनेटर में वन अपॉन टू कॉस ऑफ साई अपॉन टू. ठीक है, यहाँ पर से सॉरी, यहाँ पर साय था तो साय अपॉन टू कैंसिल आउट हो गया. सो वी आर लेफ्ट विद ई नॉट कॉस एन साय अपॉन टू अपॉन कॉस साय अपॉन टू मल्टीप्लाइड विद एन. सो ये हो गया हमारा ई मैक्स, कब, जब साय को मैं ज़ीरो पुट कर रही हूँ. पुट कर देते हैं साय को ज़ीरो, तो एन ई नॉट कॉस ऑफ साय को ज़ीरो पुट करा, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, अपॉन कॉस ऑफ ज़ीरो. हम जानते हैं कॉस ऑफ ज़ीरो वन होता है, तो हमें पता लग गया ई मैक्स की वैल्यू आ रही है एन ई नॉट. तो एरे फैक्टर के लिए मुझे क्या करना था, ई को डिवाइड करना था ई मैक्स से. ठीक है, तो यहाँ से ई नॉट से तो ई नॉट कैंसिल हो जाएगा. अब मैं क्या कह रही थी, साय इज अप्रोचिंग टू ज़ीरो, साय क्या है, इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो. जब साय ज़ीरो पे टेंड कर रहा है, तो साइन का जब बहुत छोटा एंगल होता है, द एंगल इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, तो साइन थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा. साइन साय अपॉन टू विल बी नियरली इक्वल टू साय अपॉन टू. तो यहाँ से हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं,
एरे फैक्टर क्या हो गया, साइन ऑफ एन साई अपॉन टू डिवाइडेड बाय एन साई अपॉन टू, ये आ गया हमारा एरे फैक्टर। तो आई होप आपको पूरा मैथमेटिक्स समझ आया होगा, पूरा मैथमेटिक्स ही है, सारी पिछली चीज़ें हमने यूज़ करी हैं, कैसे हमने टू पॉइंट एंटीना एरे का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, जस्ट उसे एक्सटेंड करे एंड एरे फैक्टर को समझा है कि क्या होता है, उसे निकाला है। सो इसकी वैल्यू आपको समझ आ चुकी होगी कि कैसे निकाली है। ई मैक्स की वैल्यू एन ई नॉट आई थी, एन ई नॉट से जो भी हमारी ई की वैल्यू आई थी, यहाँ पर मैंने एंगल कंसिडर नहीं करा है बिकॉज इट इज़ जस्ट गिविंग मी द फेस। सो आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड्स इन द एरे फैक्टर्स कैलकुलेशन। सो ई नॉट साइन n psi upon 2 upon sin psi upon 2 divided by n e naught, e naught to e naught got cancelled and यहाँ पर n denominator में है क्योंकि psi मैंने बहुत छोटा लिया था, sin psi by 2 will be equal to psi upon 2, तो sin n psi upon 2 divided by n psi upon 2 will be giving me array factor। I hope आपको सब कुछ समझ आया होगा और आप मेरे से next session में जल्दी जल्दी मिलने वाले हैं। एंड अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या मुझे रीच आउट कर लीजिए, आई विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल। आई होप यू लाइक दिस सेशन, अगर लाइक किया है तो लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।